आप जो मशीन देख रहे हो इसको रोक ब्रेकर बोलते हैं, सिर्फ इस पार्ट को। पीछे जो इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है यह सिर्फ इसको ऑयल का प्रेशर भेजती है और ब्रेकर इस ऑयल के प्रेशर को हैमरिंग में बदल देता है। कहने का मतलब हथौड़े के जैसे काम करवाता है। सबसे पहले हम इस मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसकी हेल्प से क्या पता हम भी कोई कारनामा कर दे। उसके बाद में रोक ब्रेकर की वर्किंग। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे इस क्रेन को 20 टन का वजन उठाना है लेकिन इसके इंजन के पास में सिर्फ आधा टन वजन उठाने की कैपेसिटी है, और सेम ऐसा ही इस ब्रेकर के साथ में है। तो फिर इंजीनियर्स ने गजब दिमाग लगाया। आज के इंजीनियरों ने नहीं, आज से करीब 350 साल पहले मिस्टर पास्कल ने हम धरतीवासियों को बताया कि यदि हम किसी लिक्विड पर, जैसे पानी, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, कोई भी लिक्विड पर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वह लिक्विड उस फोर्स को सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर लगाता है, और यदि इस टेप को ओपन कर दे तो यह फोर्स को आगे ट्रांसमिट कर देगा। बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। चलो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 1 लीटर की पानी की बोतल थी और उसमें कंप्रेस करके 2 लीटर पानी भर दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, लेकिन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। हमारे घरों में गैस सिलेंडर में दबा के हाई प्रेशर से गैस भरी जाती है। जैसे मेरे पास में 2 सिलेंडर है, एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है, और इन दोनों सिलेंडर को हम एक पाइप से कनेक्ट करके पानी भर देते हैं और दोनों सिलेंडर में पिस्टन सेट कर देते हैं फोर्स लगाने के लिए। जब हम इस छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे तो यह पिस्टन फोर्स को पानी पर लगाएगा और पानी इस फोर्स को हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगाएगा, क्योंकि खुद तो कंप्रेस होगा नहीं, तो यह पिस्टन के फोर्स को आगे इधर वाले सिलेंडर पर ट्रांसमिट कर देगा, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, और यही पास्कल ने कहा था। तो क्या करें, यह तो हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन पूरा गेम यहीं पे है। जब हम इस छोटे पिस्टन पर 10 kg वजन रखते हैं तो बड़ा पिस्टन 50 kg वजन उठा लेगा, और यह हमें नहीं पता था। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं, थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन हम यूज में लेंगे, बस घबराना नहीं है। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मानकर चलते हैं हमें इस छोटी सी कार को लिफ्ट करना है, तो छोटे वाले सिलेंडर पे 10 N का फोर्स लगाते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, इसको आसान भाषा में हम 10 kg वजन जितना मान लेते हैं। अब छोटा सिलेंडर है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, और मान के चलते हैं इसका एरिया 2 mm² है। तो इस फॉर्मूले में फोर्स की जगह 10 N रख देंगे और एरिया की जगह 2 mm², और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर 5 N/mm² प्रेशर हमें मिल जाएगा। अब पास्कल के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए सेम टू सेम यही प्रेशर इस बड़े वाले पिस्टन पे लगेगा, क्योंकि पास्कल ने यही कहा था कि लिक्विड इस प्रेशर को या तो सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर लगाएगा या फिर आगे ट्रांसमिट कर देगा। दूसरे वाले सिलेंडर का भी कुछ एरिया होगा, हम मान लेते हैं इसका एरिया 10 mm² है और प्रेशर 5 N/mm² फिक्स है, तो फॉर्मूले में प्रेशर की जगह 5 N/mm² रख देंगे और एरिया की जगह 10 mm². अब आप मुझे बताओ कि फोर्स की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं कि मुझे 5 N/mm² मिल जाए, और सिंपल सी बात है 50 N वह फोर्स की वैल्यू होगी। तो यह तो फिर कमाल ही हो गया, हमने 10 kg वजन जितना फोर्स लगाया और हमें दूसरे सिलेंडर पे 50 kg वजन उठाने जितना फोर्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा कमाल एरिया का है, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बड़े सिलेंडर का हम जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बस एक हल्का सा फर्क आएगा, जब छोटा सिलेंडर 1 फीट नीचे आएगा तो बड़ा पिस्टन मुश्किल से 1-2 cm ऊपर जाएगा, तो इसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर होते हैं वह इसी प्रिंसिपल को यूज में लेते हैं, जहां सिलेंडर का एरिया काफी बड़ा होता है और एक पतली सी पाइप से प्रेशर आता है। अब रोक ब्रेकर को समझने से पहले हम इस सिलेंडर की वर्किंग समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वे में काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे रोक ब्रेकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है और पिस्टन से रोड जुड़ी हुई है। सिलेंडर के ऊपर सील लगी रहती है, बाहर की सील सिलेंडर के अंदर धूल मिट्टी जाने से रोकती है और अंदर की सील ऑयल को बाहर जाने से रोकती है, और सिलेंडर के दोनों ही साइड में ऑयल के पोर्ट होते हैं जिनसे ऑयल आउट और इन होता रहता है। सिलेंडर के दोनों ही पोर्ट कंट्रोल वाल से जुड़े रहते हैं। अब कंट्रोल वाल भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे एक सिंगल चैनल वाल लगाया जिसमें इधर से ऑयल आया और इधर से होते हुए पिस्टन पर फोर्स लगाएगा और पिस्टन की रोड बाहर की तरफ जाने लगेगी। और जब छोटा पिस्टन अपनी पोजीशन बदल के इधर वाले पाइप से कनेक्ट होगा तो अब की बार पिस्टन पर इस साइड से फोर्स लगेगा और पिस्टन की रोड वापस अंदर आने लगेगी।
यदि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई हो तो सिलेंडर में दोनों साइड में ऑयल भरा हुआ है और जब ऑयल पिस्टन पर बाहर की साइड में फोर्स लगा रहा है तो पिस्टन की इधर की साइड में जो ऑयल है वह वापस ऊपर जाने लगेगा। लेकिन इस छोटे पिस्टन ने यहाँ से रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है तो पिस्टन पर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है और बीच में बेचारा पिस्टन बाबू भैया की तरह फंसा हुआ है तो यहाँ पे या तो सिलेंडर फट जाएगा या फिर ऑयल की पाइप फट जाएगी। तो कंट्रोल वाल्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया और यहाँ पे तीन तीन चैनल लगाए गए जिसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑयल की सप्लाई एक पिस्टन पंप करता है और यह पिस्टन पंप डायरेक्ट इंजन की क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है या फिर मोटर भी हो सकती है। सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास में मोटर ही अवेलेबल है। यह एक एक्सियल पिस्टन पंप है। पंप की यह मेन शाफ्ट है जिस पर एक इंक्लाइंड कुछ इस तरीके से प्लेट लगी हुई है जिसको स्वास प्लेट बोलते हैं और इस प्लेट पर मल्टीपल पिस्टन लगे रहते हैं कुछ इस टाइप के और पिस्टन आगे एक ब्लॉक में सेट रहते हैं जिनको एक स्पेरिकल प्लेट कुछ इस तरीके से सपोर्ट करती है। जब इंजन रोटेट करेगा तो पिस्टन रोटेट करेंगे और आप देखोगे स्वास प्लेट की वजह से पिस्टन किस तरीके से आगे पीछे मूव कर रहा है। जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो यहाँ पर अपने सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट करेगा और बाहर से ऑयल को पुल करेगा और जब आगे बढ़ेगा तो स्वास प्लेट पिस्टन को आगे की तरफ फोर्स लगा रही है जिससे सिलेंडर के अंदर ऑयल का प्रेशर बढ़ता जाएगा और जैसे ही आउटलेट वाल्व के सामने आएगा तो हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा। इस तरीके से मल्टीपल पिस्टन ऑयल को पंप करते हैं। यहाँ पर हमें एक बेनिफिट और मिलता है स्वास प्लेट का। यदि हम प्लेट के एंगल को चेंज करते हैं तो ऑयल का प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है। अब पंप को कंट्रोल वाल्व के इस पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो पंप स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो पंप प्रेशर को इंक्रीज करेगा। लेकिन कंट्रोल वाल्व फिलहाल बंद पोजीशन पे है तो यहाँ पे एक रिलीफ वाल्व लगा रहता है जो ऑयल को वापस टैंक में भेज देगा। अब जैसे ही हम वॉल की पोजीशन राइट साइड में करेंगे तो पंप का प्रेशर डायरेक्ट सिलेंडर से कनेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से प्रेशर जाएगा और पंप वजन उठाने लगेगा और पिस्टन के ऊपर जो ऑयल है वह कुछ इस तरीके से मूव करते हुए टैंक में आने लगेगा। जब वापस पंप को अनलोड करना होगा तो कंट्रोल वाल्व को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे जिससे पंप का प्रेशर सिलेंडर में ऊपर की साइड लगेगा और सिलेंडर वापस नीचे आने लगेगा और सिलेंडर के अंदर का ऑयल टैंक में जाने लगेगा। अब इस कंट्रोल वाल्व को मशीन का ऑपरेटर लेफ्ट राइट मूव करवाता है तो वन साइडेड पिस्टन मैकेनिज्म हाइड्रोलिक जैक में होता है जहां पिस्टन वापस नीचे वेट से आता है और टू साइडेड पिस्टन रोड मैकेनिज्म हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में होता है। यहां पर कंट्रोल वॉल्व एक बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म यूज करता है लेकिन जब हम इस पिस्टन की जगह रोक ब्रेकर लगाते हैं तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहां पर हमें एक पावरफुल स्ट्रोक जनरेट करना है पत्थर तोड़ने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब जरूर से लिखना कमेंट में जैसा भी हो। पास्कल ने तो कहा था कि लिक्विड होना चाहिए और वह कोई भी हो सकता है, फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर में ऑयल को ही क्यों काम में लिया जाता है? पानी भी तो एकदम सस्ता लिक्विड है, उसको क्यों नहीं? लेकिन यार अपना कंटेंट हम एकदम सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी हमारे साथ में अपनी क्रिएटिविटी को 3D के फील्ड में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो हम आपकी क्रिएटिविटी को आगे लेकर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाथ हम आगे बढ़ा रहे हैं, साथ आना चाहो तो आपका स्वागत है। 3D से रिलेटेड पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वीडियो देखने के बाद में जरूर से चेकआउट करना। रोक ब्रेकर में भी एक पिस्टन होता है और पिस्टन के नीचे चीजें लगा रहता है जो किसी भी पत्थर को तोड़ता है। पिस्टन वाली रोड ऊपर एक चेंबर में कनेक्टेड रहती है और इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। साइड में कंट्रोल वॉल लगा रहता है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म ध्यान से समझना। सबसे पहले स्ट्रोक में पिस्टन को ऊपर उठाना है तो पंप से ऑयल आएगा और ऐसे होते हुए पिस्टन के यहाँ पे फोर्स लगाएगा और पिस्टन ऊपर उठेगा और यहाँ पर जो ऑयल है वह टैंक में जाने लगेगा। ऊपर की तरफ पिस्टन रोड चेंबर में नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस करने लगेगी जिससे गैस का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे लगभग 200 से 250 PSI का प्रेशर होता है। अब अकेले गैस ज्यादा पावर से स्ट्राइक नहीं करवा सकती तो हमें गैस के साथ में ऑयल के प्रेशर की भी जरूरत है और कंट्रोल वॉल में दो चैनल है तो कंट्रोल वॉल के चैनल को यदि हम ऊपर उठा दें तो ऑयल का प्रेशर भी अब गैस के साथ में लगेगा। लेकिन इस वॉल को ऊपर कैसे उठाया जाए क्योंकि यदि आपने देखा हो तो हैमर बहुत हाई स्पीड में स्ट्राइक करता है और हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह ऑपरेटर यहाँ पे काम नहीं कर सकता तो ये ऑटोमेटिक होना जरूरी है। पिस्टन के इस पॉइंट पर हाई प्रेशर आ रहा है पंप से डायरेक्ट और पिस्टन के इस पॉइंट से यदि हम कंट्रोल वॉल को कनेक्ट कर दे तो जैसे ही सिलेंडर ऊपर पहुंचेगा तो अब हाई प्रेशर इधर से होते हुए इस कंट्रोल वॉल पर लगेगा और कंट्रोल वॉल ऊपर उठ जाएगा जिससे हाई प्रेशर का कनेक्शन पिस्टन की ऊपर की साइड में आ जाएगा।
और अब गैस चैम्बर और ऑयल का प्रेशर दोनों पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं और पिस्टन चीजल पर जाकर स्ट्राइक करता है। लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटेगा क्योंकि एक स्ट्राइक से पत्थर नहीं टूटता है और उसके पीछे रीजन है, इस पिस्टन को वापस ऊपर लेकर जाना होगा और इसके लिए हमें कंट्रोल वॉल को नीचे लाना होगा ताकि हाई प्रेशर ऊपर से हटके नीचे की तरफ जाए, क्योंकि इस पोजीशन में तो पिस्टन बाबू भैया बनके बैठा हुआ है, दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है। तो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और यदि हम इस हाई प्रेशर को अब कंट्रोल वॉल के ऊपर की साइड में लगा दे तो यहाँ पर पंप का इतना हाई प्रेशर छोटे से पिस्टन को नीचे ले आएगा और वॉल के अंदर नीचे की साइड में ऑयल था वह इधर से होते हुए वापस टैंक में चला जाएगा। अब थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि यह पूरे लोहे का सिस्टम है, यदि कहीं से भी कोई वॉल ओपन नहीं हुआ या ओपन होने में थोड़ा लेट हो गया तो ऑयल कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं कोई पाइप फट जाएगी। तो हाई प्रेशर पाइप के साथ में एक एक्यूमुलेटर लगाया जाता है जो एक गुब्बारे जैसा ही होता है, जब एक्स्ट्रा ऑयल आता है तो ये फूल जाता है और ऑयल का प्रेशर कम होता है तो वापस सप्लाई कर देता है। हम और भी बेहतरीन फ्यूचर वीडियोस पर काम कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा और 3D एनिमेशन की जर्नी शुरू करना चाहो तो हमारे साथ में आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।